हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल फिल्मी बॉक्स ऑफिस पर। तो बात करेंगे आज इस वीडियो में हाल फिलहाल रिलीज हुई दो पंजाबी फिल्में। आज हम मेक्सिको चलिए और जट ब्रदर्स को लेकर बात करने वाले आज इस वीडियो में। अगर आप भी किसी भी फिल्म के डाई हार्ड फैन हो तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले बात करते हैं जट ब्रदर्स को लेकर, जो कि रिलीज़ हो चुकी है कल। जी हाँ, दोनों का क्लैश एक ही दिन हुआ। अगर बात करें फिल्म को लेकर तो इसे 98% गूगल यूजर्स पसंद कर रहे हैं। इसी के साथ जो उसकी रेटिंग निकल के आ रही है वो है 8. गाइस एक्चुअल में 4.2 स्टार्स की रेटिंग इस फिल्म को मिल रही है। अब ऐसे में बात करें फिल्म को लेकर तो लीडिंग में नजर आ रहे हैं जाने माने सिंगर जस मानक। इनके अलावा गोरी और नज़र आ रहे हैं निकिति ढिल्लो। डायरेक्शन दिया है मानव सहा ने। अब ऐसे में बात आती है कलेक्शन की कि ये फिल्म कितना कलेक्शन कर रही है अपने पहले दिन। वेल, सभी को पता है पंजाबी फिल्में हैं तो पंजाबी फिल्मों की जो स्क्रिप्ट होती है, कॉन्सेप्ट होता है, काफ़ी अच्छा होता है और ये स्टोरी माइंड ब्लोइंग होती है। ये बात सभी को पता है और इसका तो आपने ट्रेलर देख ही लिया होगा, यूट्यूब पर अवेलेबल है। ट्रेलर काफ़ी अच्छा है। दो भाइयों की स्टोरी आपको दिखाई गई है जट ब्रदर्स में, जो कि बहुत बढ़िया स्टोरी है। और आपको बता दूँ, आपको ये जोड़ी पसंद आने वाली है डेफिनेटली। कलेक्शन इतना खास नहीं रहा जहाँ इसका बजट 8 से 10 करोड़ बताया जा रहा है और मेकर्स का जो अजम्पशन था कलेक्शन को लेकर वो धरा के धरा रह गया। देखना ये होगा कि आज इसको क्या रिस्पॉन्स मिलता है। लेकिन पहले दिन की कलेक्शन की बात आती है तो जो ऑक्यूपेंसी देखी जा रही थी वो थी महज 8 से 10% की ऑक्यूपेंसी थिएटर्स में बस, या 10-12 इवनिंग में। क्योंकि यार शोज का बहुत बुरा हाल रहा, 50% ऑक्यूपेंसी में भी 8 से 10 ऑक्यूपेंसी पर शोज चल रहे हैं तो यार कलेक्शन क्या ही होगा। जो कलेक्शन आया फिल्म का इंडिया से वो था तकरीबन 50 लाख से 70 लाख के बीच, ज़्यादा से ज़्यादा। बस इतना ही कलेक्शन कर पाई जट ब्रदर्स अपने पहले दिन। और वहीं पर बात करते हैं इस लिस्ट की दूसरी फिल्म एमी विराक स्टारर आजा मैक्सिको चलिए को लेकर, जो कि काफ़ी अच्छी फिल्म है। और इसका कॉन्सेप्ट है कि भाई साहब जो लोग स्ट्रगल करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ देयर टूरिस्ट एजेंट, जो कि उन्हें कहाँ से कहाँ ले जाता है बोले तो रॉन्ग वे। जैसे कि आपको पता है, जैसे कि कोई बंदा अमेरिका जाना चाहता है लेकिन उसे अमेरिका का डायरेक्ट वीज़ा नहीं मिलता तो उसे एक सिटी से दूसरी सिटी लेकर अमेरिका पहुँचाया जाता है। ऐसी कुछ स्टोरी आपको इस फिल्म में देखने को मिलने वाली है, जहाँ पर बाई चांस एमी विराक पहुँच जाते हैं न्यूयॉर्क की जगह मैक्सिको और वहाँ पर उनकी मुलाकात होती है कुछ टेररिस्ट से। और जो कि जो स्टोरी है कॉम्प्लिकेट हो जाती है। फिल्म की स्टोरी क्या है वो मुझे भी नहीं पता एक्चुअल में। लीडिंग में नज़र आ रहे हैं एमी विराक और डायरेक्शन दिया इस फिल्म को राकेश धवन ने। ऐसे में अब बात करें फिल्म के कलेक्शन को लेकर, जो इसका बजट है वो सेम है 8 से 10 करोड़ रुपए। कलेक्शन में यार इसमें भी ड्रॉप चल रहा है लेकिन ये फिल्म कहीं ना कहीं जट ब्रदर्स के कंपैरिजन में हाई कलेक्शन कर रही है। और जो इसका कलेक्शन आ रहा है पहले दिन का वो है तकरीबन 1 करोड़ के आसपास, ज़्यादा से ज़्यादा। रिस्पॉन्स इसको भी वही मिल रहा है जो जट ब्रदर्स को मिल रहा है, 10-12% की ऑक्यूपेंसी इसमें भी देखी जा रही है। तो आप कह सकते हो यार अभी जो कलेक्शन है थोड़ा डाउन चल रहा है दोनों ही फिल्मों का। पंजाबी मूवीज़ में इतना रिव्यू बोलते ना, इतना अटेंशन नहीं मिल रही है पब्लिक की तरफ से। लेकिन ये फिल्में ओवरसीज मार्केट में कलेक्शन भयंकर वाला करने वाली है। ओवरसीज मार्केट की अभी अपडेट नहीं आई है हमारे पास। वेल, आपकी फिल्म कौन सी फेवरेट रही, जट ब्रदर्स या फिर एमी विराक की, कमेंट में मेंशन करना। बाय।